अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में कई आंदोलन हमारे देश में किए गए थे और इन्हीं आंदोलनों में से एक आंदोलन का नाम चंपारण सत्याग्रह था, जो कि किसानों से जुड़ा हुआ था। 19 अप्रैल 1917 को शुरू किए गए इस आंदोलन को इस साल 100 साल पूरे हो गए हैं। आखिर क्या था ये आंदोलन और क्यों किया गया था, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी अपने YouTube चैनल दीपावली में देने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 1917 में क्या था चंपारण सत्याग्रह? चंपारण बिहार राज्य का एक जिला है और इस जिले के किसानों की मदद करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था, जिसके चलते इस आंदोलन का नाम चंपारण रख दिया गया। इस जिले के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, जिससे कि इस जिले के किसान काफी परेशान थे, क्योंकि नील की खेती करने से उनकी जमीन खराब हो रही थी। इतना ही नहीं, किसानों को उनके खेत के अधिकतर भाग 20 हिस्सों से 3 भागों में ये खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसके कारण किसान किसी भी खाने की चीज की खेती नहीं कर पा रहे थे। जिस वक्त बिहार के इस जिले में ये सब हो रहा था, उसी वक्त हमारे देश में अंग्रेजों से आजादी पाने की लड़ाई भी शुरू हो गई थी। चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी जानकारी। कब तक चला था? करीब 1 साल तक। किस लिए किया गया ये आंदोलन? किसानों के हक के लिए। किसके नेतृत्व में किया गया ये आंदोलन? महात्मा गांधी। किन किन राजनेताओं ने लिया था हिस्सा? ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राम नवमी प्रसाद, जेबी कृपलानी और इत्यादि। चंपारण के लोगों ने की गांधी से मुलाकात। चंपारण के साहूकार राजकुमार शुक्ला और संत राउत ने गांधी जी से लखनऊ में जाकर मुलाकात की थी और गांधी जी को चंपारण के किसानों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन गांधी जी के पास बिहार आने के लिए समय नहीं था और उन्होंने राजकुमार शुक्ला के साथ बिहार आने से मना कर दिया, लेकिन राजकुमार शुक्ला अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने गांधी जी को बिहार आने के लिए मना लिया। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला से वादा करते हुए कहा कि कोलकाता के दौरे के बाद वो अपने कुछ साथियों के साथ सीधा बिहार आएंगे, लेकिन गांधी जी के इस वादे के बाद भी शुक्ला गांधी जी के साथ ही रहे और उनके साथ कोलकाता चले गए। दरअसल शुक्ला और राउत के पास भी कुछ जमीन थी और इनकी जमीन पर भी नील की खेती करवाई जा रही थी, जिससे कि ये भी काफी परेशान थे और ये हर हालात में गांधी जी को अपने जिले में लाना चाहते थे, ताकि गांधी जी इनकी समस्या का हल निकाल सके। 10 अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे गांधी जी। चंपारण के किसानों पर हो रहे अत्याचारों की जानकारी मिलने के बाद गांधी जी ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिन्हा और रामनाथवी प्रसाद सहित अपने कई साथियों के साथ 10 अप्रैल को इस जिले में पहुंचे। यहां पहुंचकर इन्होंने यहां के किसानों से मुलाकात की और इस जिले के कई गांवों का दौरा किया। दौरे के दौरान गांधी जी ने पाया कि यहां के गांव के लोग अशिक्षित हैं, जिसके कारण यहां के जमींदारों द्वारा इनका शोषण किया जा रहा है। इस जिले के गाँव की हालातों को सुधारने के लिए गांधी जी ने अपने वकील मित्रों के साथ यहां के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के कार्य शुरू करना शुरू कर दिया। करवाया स्कूल का निर्माण। यहां के लोगों का अशिक्षित होना ही मुख्य कारण यहां पर किसी भी स्कूल का नहीं होना था, इसलिए गांधी जी ने सबसे पहले यहां पर एक स्कूल को बनवाया। ये स्कूल लखन सेन गाँव में बनवाया गया था। स्कूल का निर्माण करवाने के बाद गांधी जी ने यहाँ के लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने का काम किया। इतना ही नहीं, गांधी जी ने यहाँ के लोगों को साफ सफाई का महत्व भी बताया और यहाँ के गाँव में फैली गंदगी को साफ करवाया। इसके अलावा गाँव की औरतें और छोटी जातियों के लोगों के प्रति हो रहे भेदभाव को भी कम करने के लिए गांधी जी ने कई कार्य किए। लखन सेन गाँव में स्कूल का निर्माण करवाने के बाद गांधी जी ने दो और स्कूल
का निर्माण इस जिले में करवाया था, जिनमें से एक स्कूल पश्चिम चंपारण में 30 नवंबर 1917 को बनवाया गया था और दूसरा स्कूल मधुबन में 17 जनवरी 1918 में बनवाया गया था। इन दोनों स्कूलों को बनवाने में संत राउत ने गांधी जी की मदद की थी। गांधी जी के इन प्रयासों में इनकी मदद और भी कई जाने माने नेताओं ने की थी और जवाहरलाल नेहरू भी गांधी जी के इस अभियान से जुड़ गए थे। गांधी जी के खिलाफ किया गया केस दर्ज। जब गांधी जी इस जिले में पहुंचे तो इस जिले के मैजिस्ट्रेट ने इन्हें एक नोटिस जारी किया। नोटिस में मैजिस्ट्रेट ने कहा कि वो चंपारण जिले में नहीं रह सकते हैं और पहली ट्रेन से वो वापस लौट जाएं। लेकिन गांधी जी ने मैजिस्ट्रेट के इस आदेश को नहीं माना, जिसके कारण गांधी जी को अदालत में पेश होने के लिए बुलवाया गया। मैजिस्ट्रेट ने गांधी जी को एक और पत्र लिखकर कहा कि अगर आप इस जिले को छोड़ देते हैं और वापस नहीं लौटने का वादा करते हैं तो आपके खिलाफ दर्ज किया गया मामला वापस लिया जाएगा। मैजिस्ट्रेट के इस पत्र का जवाब देते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं मानवता और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए यहाँ आया हूँ। चंपारण मेरा घर है और मैं यहाँ के पीड़ित लोगों के लिए काम करूँगा। मैं इस जिले से अभी वापस नहीं जा सकता हूँ। गांधी जी को किया गया गिरफ्तार। इस जिले में अशांति प्रदान करने के आरोप के चलते यहाँ की पुलिस ने गांधी जी को हिरासत में ले लिया। गांधी जी के गिरफ्तार होने की खबर जैसे ही यहाँ के किसानों को लगी तो उन्होंने पुलिस स्टेशन सहित कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद यहाँ की अदालत को गांधी जी को रिहा करना पड़ा। चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया। इस दौरान ब्रिटिश सरकार को गांधी जी की ताकत का अनुभव हो चुका था और ब्रिटिश सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया और इस समिति का हिस्सा गांधी जी को भी बनाया गया। इस समिति के गठन के कुछ महीनों के भीतर चंपारण कृषि विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक की मदद से किसानों में काफी राहत दी गई और जमींदारों की मनमानी पर लगाम लगाई गई। किसानों के लिए अधिक मुआवजा देने और खेती पर नियंत्रण देने का जिक्र भी इस विधेयक में किया गया और इस तरह से गांधी जी ने यहाँ के किसानों की मदद की। चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी अन्य बातें। इस सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला डिसओबीडियंस मूवमेंट था। इस मूवमेंट के साथ ही अंग्रेजों को गांधी जी की ताकत के बारे में पता चला था। इस आंदोलन के दौरान ही पहली बार संत राउत ने गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा था, जिसके बाद से गांधी जी को बापू कहा जाने लगा। चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट के 100 साल होने पर सरकार ने स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं को बिहार में शुरू किया है। इस राज्य में सीवेज प्रोटेक्टर्स शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार 1,000 करोड़ रुपए देगी। इसके अलावा इस राज्य में कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है जो कि साफ सफाई से जुड़े हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दीपावली चैनल को सब्सक्राइब करें।